हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एचपी लेजर जेट P1108 जो ये हमारा प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, इसके बारे में, इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करें, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, ये सब बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एचपी का लेजर जेट P1108 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है ये। इसका पूरा हम कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, क्या हमें इसके इंस्टॉलेशन के वक्त सीडी से कैसे इंस्टॉल करें, सारा प्रोसीजर लास्ट तक, इसका एक प्रिंट आउट निकालने तक हम आपको A to Z प्रोसीजर आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वैसे प्रिंटर है, ठीक है दोस्तों। इसको कनेक्ट करने के लिए ये इसके जो अनबॉक्सिंग वगैरह थी वो मैंने एक वीडियो में बना दी है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ये निकले हैं, दो वायर्स निकली थी। अभी तो हमने इसको एक टेबल पर रख रखा है, वैसे तो यहाँ रखते हैं लेकिन यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए आपको दिखता नहीं अच्छे से, इसलिए दिखाने के लिए यहाँ रखा है हमने। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। दो वायर हैं, ये वाली कनेक्ट करेंगे। इसके दो साइड हैं, देखिए, एक ये साइड है, ये प्रिंटर में लगेगा, और एक ये साइड है, पीछे USB वाले पोर्ट में लगेगा। तो ये लगाइए, देखिए कहाँ लगता है ये हमारा। यहाँ पे एक स्पेस होता है, जगह होगी कंप्यूटर के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, यहाँ लगाएंगे। ये लग गया। ठीक है, सही है। अब ये वाला जो दूसरा है ये हमारा पीछे USB पोर्ट में लग जाएगा, USB पोर्ट में। नीचे वाला है, नीचे वाला, हाँ यहाँ पे चेंज करके देखो। हाँ, ये यहाँ लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट करने का था। दूसरी केबल होती है, ये हमें इसे पावर देने के लिए होती है। ये एक तो यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये है, देखिए एक यहाँ लगाइए। नहीं, हाँ ऐसे, और दूसरा पीछे हमने पावर प्लग में लगा लीजिए। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको नीचे से। ठीक है दोस्तों, ये तो वायर्स लगाने का तरीका है, ये तो हमने कनेक्ट कर दिया है आपका। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से अब ये कनेक्ट हो चुका है लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसकी सीडी आती है, जब भी आप इसको खोलेंगे इसके अंदर एक सीडी रखी होगी, तो आप सीडी रोम में उस सीडी को डालें। खोले, इस सीडी को खोलो, सीडी को डालें। बंद कर दे। ठीक है दोस्तों, अब हमें कंप्यूटर में दोस्तों, ये हमारे जैसे ये हमने पार्ट्स कर रखे थे ड्राइव के, ये ऐसे हमारी आ जाएगा, इस पे DVD RW ऐसे HP लेजर जेट P1110 ऐसे हमारा आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके फोल्डर्स मैंने बताया आपको, ये आ जाएंगे। नीचे करें, HP सेटअप लिखा आएगा,
एचपी सेटअप देखिए, ये लिखा रहा है आपका, इस पर क्लिक करें। इसको ये कह रहा है भाई आपको कोई चेंज वो करना है डाउनलोड वगैरह के लिए, तो यस कर दें। अब ये प्रोसेस हो रहा है हमारा। ये दो ऑप्शन आएंगे, इजी इंस्टॉल और एडवांस इंस्टॉल, तो इस पर नेक्स्ट कर दें, इजी इंस्टॉल पे ही रहने दें। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें सीरीज आ गई है कौन सी हुआ है, तो इसमें 1110W है, 1100 है, 1560, 1600, तो 1100 वाली पे P110 वाली पे क्लिक करें। हाँ, और अब नेक्स्ट कर दें। ये देखिए अब हमारा हो रहा है ये इंस्टॉलिंग, थोड़ा सा टाइम लेता है। आप सही है, ये घर के यूज़ के लिए आपको कंप्यूटर ये प्रिंटर सही है, क्योंकि घर पे इतने प्रिंट नहीं निकलते हैं। 1500 ये प्रिंट निकाल सकता है, एक बार अगर आप कार्ट्रिज इंस्टॉल करते हैं तो उस पे 1500 प्रिंट निकल सकते हैं। ये जो हमारी टेबल होती है, ये जो हमारी पेपर ट्रे होती है, यहाँ पे हम पेपर्स रखते हैं, ऐसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ। अभी पेपर्स रखता हूँ। इसमें सबसे बड़ी ये है कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, A4 लीगल, तो अब मैंने पास लीगल है वैसे, तो लीगल के लिए आपको ये कर दिया, ये एडजस्ट करने के लिए, ये छोटे बड़े साइज के लिए इधर से भी कर सकते हैं आप ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, और ये आपके पेपर रोकने के लिए, बड़े पेज का सपोर्ट देने के लिए। इसके अंदर हमारी कार्ट्रेज होती है, ये कार्ट्रेज हमारी 88A की, दोस्तों उसके बाद जब आपको यहां से ऑन का बटन दबाना है, सारे कनेक्शन चेक करके, जैसे ही ऑन का बटन यहां से आप दबाएंगे, यहां पे ये लाइट आ जाएगी आपकी ग्रीन कलर की, और ऊपर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे हम आपको, हमें एक टेस्ट पेपर भी नहीं निकालना है। ये देखिए ऑप्शन दो हैं, एक तो है रजिस्टर योर प्रोडक्ट और एक है प्रिंट प्रिंट टेक्स्ट पेज, तो आपको रजिस्टर योर प्रोडक्ट वाला हटा देना है और इसको रहने देना है प्रिंट टेस्ट पेज को, इससे प्रिंट निकलेगा हमारा एक टेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको टेस्ट भी हो जाएगा, इसको क्लिक रहने दे, नेक्स्ट करें। अब ये देखिए हमारा प्रिंट निकलेगा यहाँ से, ये सिर्फ चेकिंग के लिए है कि हमारा सही इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ये देखिए इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन है, कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, ये सारी हमारी इसके अंदर। इसका मतलब जब ये प्रिंट ऐसे निकल जाता है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। बस हमारा इसका मतलब एचपी का प्रिंटर ये पूरा इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप लोगों का कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।